हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम कैसे किया जाता है, सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आइए समझने की कोशिश करते हैं और उससे रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ए पी है 2, 4, 6, 8, ठीक है दोस्तों, ये कोई ए पी है, ठीक है। इसमें कितनी टर्में हैं? 4 टर्में हैं। मुझे इनका सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले ये 4 टर्म है, इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे S4, यानी कि सम ऑफ 4th टर्म, 4 टर्मों का सम। और लिखें कैसे इसको? 2 + 4 + 6 + 8, ऐसे लिखेंगे 4 टर्मों का सम। तो ये क्या आएगा? 4 × 6 और 6 = 12 और 8 = 20। बड़ा आसान है निकालना, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही थोड़ा सा और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, 10 आ जाए 12 आ जाए, यहाँ तक भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ये ऐसे ही आगे चलता रहे, ठीक है दोस्तों, और ये 1st टर्म 2nd टर्म 3rd टर्म 4th टर्म 5th टर्म ऐसे चलते चलते ये इसमें 100 टर्म आएगी, कहीं 100th टर्म, उन टर्मों का सम क्या होगा? जैसे 5 टर्मों का सम, ये 4 टर्मों का सम 20 था, 5 टर्मों का सम 30 हो जाएगा। ऐसे इसमें 100 टर्में आएंगी, उनका सम क्या होगा? तो वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसके लिए मेरे पास 2 फार्मूले होते हैं। आइए देखते हैं फार्मूले क्या होते हैं। मैं फार्मूले साइड में लिख देता हूँ। सम ऑफ nth टर्म का सम क्या होता है, ठीक है। जैसे फोर्थ टर्म का सम 20 था, ऐसे nth टर्म का सम क्या होता है? n/2 2a + n - k1t, ठीक है दोस्तों। और देखते हैं दूसरा फार्मूला क्या होता है, Sn n/2 a + l, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ जी, Sn क्या है? सम ऑफ nth टर्म। जैसे यहाँ 4 टर्में हैं तो मैं लिख दिया सम ऑफ 4th टर्म। जैसे मैंने आपसे पूछा था अभी 100 टर्म का सम क्या होगा, तो उसको बोलेंगे S100, सम ऑफ 100th टर्म, ठीक है दोस्तों, 100 टर्मों का सम। एन क्या होता है? कितने नंबर ऑफ टर्म है, जैसे इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है? 4 टर्मों का सम है तो S4। जैसे 100 टर्मों का सम था तो यहाँ इनकी वैल्यू क्या थी? 100, ठीक है दोस्तों। ए क्या होता है? ये मैंने आपको बता रखा है, 1st टर्म को ए बोलते हैं, A1 ही बोलते हैं, और डी कॉमन डिफरेंस, ठीक है दोस्तों। इस फार्मूले में क्या क्या चीज़ें हैं? Sn तो मैंने आपको बता दिया, एन नंबर ऑफ टर्म, जैसे इसमें 4 है, ठीक है। एल क्या है? एल क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन था, इसमें 1st टर्म 2, 4, 6, 8 ऐसे चलते चलते मैं इसकी यहाँ लिख देता 100, यहाँ लिख देता, मान लीजिए यहाँ पे 50 लिख देता, ठीक है दोस्तों। ये कोई सीक्वेंस है, ये एपी में है। इसकी लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म मैंने लिख रखी है, इसकी लास्ट टर्म क्या है? 50। यानी कि किसी सीक्वेंस की लास्ट टर्म, उसको बोला जाता है एल, ठीक है। अगर किसी सीक्वेंस की लास्ट टर्म मेरे पास गिवन है तो मैं ये फार्मूला लगा के सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं और किस टाइप से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास 2, 4, 6, 8, ठीक है दोस्तों। ऐसे करते करते जैसे इसमें 4th टर्म है, इसमें कहीं 100 टर्म है, कहीं ना कहीं तो आएगी 100 टर्म, कुछ ना कुछ तो होगी। मैं बोल दूँ सम ऑफ 100 टर्म का सम फाइंड आउट करो, यानी कि S100, ठीक है दोस्तों। यानी कि 100 टर्मों का सम फाइंड आउट करो, इसकी 100, जैसे 4 टर्मों का सम फाइंड आउट करते हैं, ऐसे 100 टर्मों का सम फाइंड आउट करो। फार्मूले वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या क्या। ए की वैल्यू क्या मेरे पास? 2 है। डी की वैल्यू मेरे पास क्या है दोस्तों? 4 में 2 गए 2 हैं, ठीक है। और एन की वैल्यू क्या मेरे पास? 100 है। फार्मूले में सभी वैल्यू पुट करते हैं। आइए n/2, एन की वैल्यू क्या है? 100। n/2 2, ए की वैल्यू क्या है? 2 + n की वैल्यू क्या है? 100। n-1 और d की वैल्यू भी क्या है? 2। इसको सोल्व कर लो, ये क्या आ गया? 50। ये आ गया 4 और ये 99 × 2, 50 + 4, 9 × 18 9 × 18 = 19। तो इसको जोड़ के क्या आ गया? 198 और 4 कितने होते हैं? 202, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गया? 0100, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या आ गया मेरे पास? राइट आंसर। तो इस तरह से आप इसकी 100 टर्मों का सम, यानी कि जैसे 4 टर्मों का सम 20 था, ऐसे इसकी 100 टर्मों का सम क्या आएगा? ये आएगा, ठीक है दोस्तों। और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, ये कोई सीक्वेंस है, ये एपी में है,
ठीक है दोस्तों, पहले देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखे हैं, मैं कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं दोनों फार्मूले से कर सकता हूँ, कैसे देखते हैं। पहले इस क्वेश्चन को इस फार्मूले से करने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या क्या गिवन है मुझे, क्या क्या चाहिए मुझे फार्मूले के लिए, तो मुझे एन चाहिए, एक ए चाहिए और डी चाहिए। क्या क्या दे रखे इसमें, एक तो ए दे रखे है मुझे, ए क्या दे रखे है टू, फर्स्ट टर्म होती है। डी क्या दे रखे है मुझे, कॉमन डिफरेंस, ठीक है दोस्तों। और मुझे क्या चाहिए, एन चाहिए। एन क्या इसमें, इसमें एन क्या है, इसमें एन मुझे नहीं पता। ये क्या दोस्तों, ये क्या है लास्ट टर्म, जैसे एक दो तीन चार ये फोर्थ टर्म है, ऐसी ये क्या लास्ट टर्म है। और पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था लास्ट टर्म को किससे डिनोट किया जाता है, ए एन से, यानी कि एंथ टर्म से। ठीक है दोस्तों, आप इस पिछले फार्मूले की हेल्प से, ए एन के फार्मूले की हेल्प से, ए एन का फार्मूला क्या था, ए प्लस में एन माइनस के वन डी। ठीक है दोस्त, आप इस फार्मूले की हेल्प से एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ए एन की इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 50, ठीक है दोस्तों। और ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 2, प्लस में एन की वैल्यू मुझे निकालनी है और डी की वैल्यू क्या दे रखी है, 2। ये 2 इस तरफ आ गया, एन माइनस के वन 2, ठीक है दोस्तों। 50 में 2 गया 48, एन माइनस के वन 2, ठीक है दोस्तों। ये क्या आ गया, 24, तो एन की वैल्यू क्या आ गई, 25, ठीक है दोस्तों। एन की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 25 मेरे पास क्या आ गई, एन की वैल्यू, ठीक है। तो मेरे पास एन की वैल्यू आ गई 25, तो फार्मूले में पुट कर दो, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एस 25। तो फार्मूला क्या होता है, एन बाय 2, 2 ए प्लस में एन माइनस के वन डी, ठीक है दोस्तों। 25/2, 2×2=4, 25 में से गया 24 और 24×2=48। तो इसको सोल्व किया, 25/2 मल्टीप्लाई 48 और 4 कितने होते हैं, 52 होते हैं। ये क्या आ गया, 26, ठीक है दोस्तों। 25 26 के साथ करेंगे, 25 6 150, 25×2=50, 50 और 15 कितने होते हैं, 65। तो इसका आंसर क्या आ गया, 650 आ गया। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं इस फार्मूले की हेल्प से भी कर सकता हूँ और इस फार्मूले की हेल्प से, आइए देखते हैं। हाँ जी, इस फार्मूले की हेल्प से करेंगे तो एन की वैल्यू मेरे पास क्या थी, 25। फार्मूला क्या है, एन बाय 2, यानी कि एन की वैल्यू 25 और ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2। प्लस में क्या चाहिए मुझे, एल, ठीक है दोस्तों। एल का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, लास्ट टर्म। और ये सिक्वेंस है, ये सिक्वेंस कहाँ तक जा रहा है, 50 तक जा रहा है, यानी कि 50 क्या है इसकी लास्ट टर्म। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 50, तो आ जाएगा 25/2 गुणा में 52, और ये क्या आ गया, 26 5 150, 26×2=50 और 15 65, तो 650 क्या आ गया मेरा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आएगा।